इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी में छोटी कहानी के लेसन 1 पार्ट 1, जिसका नाम द गोल्ड वॉच है। द गोल्ड वॉच में सुनहरी घड़ी, जिसके राइटर पंजीकारा रफी जी हैं, के पैराग्राफ 4 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम द गोल्ड वॉच सुनहरी घड़ी के पैराग्राफ 4 पर। शंकु, जो कि बेचारा एक गरीब मजदूर है जिसके ऊपर काफी उधार है, वह एक कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में उसे बहुत ही कम रुपए मिलते हैं। इससे वह जो है बहुत परेशान है। उसे कंपनी में काम करने के बाद 13 दिन के लिए 13 रुपए मिलते हैं और 13 दिन में ही उसके ऊपर काफी खर्च आ जाता है, जिससे कि वह अब बहुत ज़्यादा दुखी है और वह अपने कर्ज को चुकाने में असफल अपने को पाता है और वह बहुत परेशान हो गया है और वह चाहता है कि मैं अपने कर्ज को चुका दूं। जैसे कि उसने अपने माँ की वार्षिक श्राद्ध के लिए भी कोष से पैसा लिया था, इसके बाद किराने की दुकान से उसके यहाँ सामान आया था तो उसका भी उधार है उसके ऊपर। इसके अलावा मछली बेचने वाली जो महिला है उसके भी उधार हैं और उसका बच्चा बीमार है, साथ में उसकी पत्नी को भी कुछ न कुछ वस्तुएं चाहिए। इन सब बातों को लेकर के वह काफ़ी परेशान है। वह जो है मानसिक रूप से अपने रुपए को जोड़ता है कि आखिरकार उसे कितने रुपए चाहिए, तो कुल मिलाकर के उसे 22 रुपीज 13 पैसे चुकाने हैं, मतलब उसे इतना कर्ज देना है, 22 रुपये और 13 पैसे उसके ऊपर कर्ज है और उसे मिलना मिलना केवल 13 रुपये है 13 दिन के लिए। इसीलिए परेशान होकर के वह जो है अपने अधिकारी की सोने की घड़ी को चुराना चाहता है, जिससे कि वह क्या करे उस घड़ी को बेच दे और बेच करके ढेर सारा रुपया पाए और अपने कर्ज को चुका दे और एक सुखी जीवन को व्यतीत करे। तो चलिए अब हम चलते हैं उसके आगे पैराग्राफ 4 पर, कि इसके आगे पूंजीकारा राफी जी सुनहरी घड़ी कहानी के बारे में आगे क्या लिखते हैं। व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट, उसे जो मिलने वाला था, व्हाट मीन्स जो, ही मीन्स उसे, गोइंग टू गेट मिलने वाला, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट उसे जो मिलने वाला था, वॉज जस्ट 8½ रुपीज, अब वह केवल, जस्ट मीन्स केवल, ईट मीन्स 8 रुपए एंड ए हाफ रुपीज, हाफ में से आधा रुपए, अर्थात कितना, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 8.5। तो व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट उसे जो मिलने वाला था, वॉज जस्ट 8½ रुपीज, वह केवल 8.5 रुपए ही था। व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट उसे जो मिलने वाला था, वॉज जस्ट 8½ रुपीज, वह केवल 8.5 रुपए था, क्योंकि उसने अपने कंपनी के कोष में से अपनी माँ के वार्षिक श्राद्ध के लिए उधार ले रखा था। तो वह चाहता था कि उसने जो वार्षिक श्राद्ध के लिए उधार लिया है अपनी कंपनी से, अभी उस वार्षिक श्राद्ध के उधार में 5 रुपए बाकी थे, तो वह 5 रुपए चाहता है कि वह उस कंपनी के जो है कोष में जमा कर दे, जिससे कि क्या हो, उसका एक कर्ज उतर जाए। तो व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट उसे जो मिलने वाला था, वह जस्ट 8½ रुपीज, वह केवल 8.5 रुपए ही था। वाट ही ओड, वाट ही ओड, और उसे जो चुकता करना था, वाट ही ओड उसे जो चुकता करना था, ओड में चुकता करना, वाट ही ओड उसे जो चुकता करना था, वाज 22 रुपीज 13 पैसे, वह 22 रुपीज 22 रुपए और 13 पैसे 13 पैसे था। तो व्हाट ही ओड उसे जो चुकता करना था, वाज 22 रुपीज, वह 22 रुपए 13 पैसे था। ही हैड अदर नीड्स टू, ही हैड अदर नीड्स, उसे अन्य आवश्यकताएं भी थी, नीड्स भी आवश्यकता होता है, तो ही हैड अदर नीड्स टू, उसे अन्य आवश्यकताएं भी थी, नीड्स में आवश्यकताएं, अदर्स में दूसरी या अन्य, ही हैड अदर नीड्स टू,
उसे और दूसरी भी आवश्यकताएं थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ। ही हैड बारोड, बारोड में सुधार लेना, ही हैड बारोड, उसने उधार लिया था 3 रुपीज में 3 रुपए को। उसने 3 रुपए उधार लिया था फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। उसने अपनी पत्नी से 3 रुपए उधार लिया था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, दिस मीन्स यह, आउट ऑफ द सम यह वह जोड़ था। सी हैड स्लोवली सेव्ड, सी मीन्स जो कि उसकी पत्नी ने, स्लोवली मीन्स धीरे धीरे करके, सेव्ड मीन्स बचाया था। अप टू नाउ, अप नाउ एंड देन, अप नाउ एंड देन, अप नाउ मीन्स अब से लेकर के, देन मीन्स तब तक या तब से लेकर के अब तक, जो उसकी पत्नी ने धीरे धीरे करके बचाया था। इन ऑर्डर टू बाई ए, इन ऑर्डर टू बाई मीन्स खरीदने के लिए, ए वेस्ट चेन, एक कमर की जो है जंजीर को या करधनी को, फॉर द यंगर चाइल्ड अपने छोटे बच्चे के लिए। दिस वॉज आउट ऑफ द सम यह वह जोड़ था, कि जो 3 रुपए उसने अपनी पत्नी से उधार लिया था, तो दिस वॉज आउट ऑफ द सम यह वह जोड़ था। सी हैड स्लोली सेव्ड, जिसे उसने धीरे धीरे बचा कर रखा था। अप नाउ एंड देन, तब से लेकर के अब तक। इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन, इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन, एक कमर की जंजीर खरीदने के लिए, फॉर द यंगर चाइल्ड अपने छोटे बच्चे के लिए। फिर से देख लेते हैं, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट, और उसे जो मिलने वाला था कंपनी से, उसे जो मिलने वाला था, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट, उसे जो मिलने वाला था, वह जस्ट 8.5 रुपीज, वह केवल 8.5 रुपए ही था। और व्हाट ही ओड, और उसे जो चुकता करना था, वॉज 22 रुपीज 13 पैसे, वह 22 रुपए और 13 पैसे था। उसे जो चुकता करना था वह 22 रुपए और 13 पैसे था। ही हैड अदर नीड्स टू, ही हैड उसे के पास, ही हैड उसके पास, अदर नीड्स टू उसके पास और दूसरी भी आवश्यकता थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, ही हैड बोरोड, उसने उधार लिया था 3 रुपीज में 3 रुपए फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। उसने अपनी पत्नी से 3 रुपए उधार लिया था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम यह वह जोड़ था, दिस वॉज आउट ऑफ द सम यह वह जोड़ था। सी हैड स्लोवली सेव्ड, जिसे कि उसने धीरे धीरे कर बचा करके रखा था। अप नाउ एंड देन, देन मीन्स तब से लेकर के, अप नाउ अब तक, जिसे सी हैड, यहाँ देखेंगे, सी हैड स्लोवली सेव्ड, जिसे उसने धीरे धीरे कर बचा कर रखा था। अप नाउ एंड देन, तब से लेकर के अब तक। इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन, एक कमर की जंजीर खरीदने के लिए, फॉर द यंगर चाइल्ड अपने छोटे बच्चे के लिए। तो ही हैड अदर नीड्स टू, ही हैड अदर नीड्स टू, उसे अन्य दूसरी आवश्यकताएं भी थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से 3 रुपये उधार लिया था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम यह वह जोड़ था। सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन, जिसे उसने धीरे धीरे करके तब से लेकर के अब तक बचा रखा था। इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्टर्न, एक कमर की जंजीर खरीदने के लिए, फॉर द यंगर चाइल्ड अपने छोटे बच्चे के लिए। ही हैड एजर्ड हर, ही मीन्स उसने, एजर्ड मीन्स भरोसा दिलाया था, हर मीन्स उसे, अर्थात शंकु ने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया था। तो ही हैड एजर्ड हर, उसने अपनी पत्नी को एजर्ड हर भरोसा दिलाया था। ही हैड एजर्ड हर, उसने उसे भरोसा दिलाया था, दैट कि ही वुड बाई इट, वह इसे खरीद देगा। किसको? वेस्ट चेन को, छोटे बच्चे के जो कमर की जंजीर है उसको। तो ही हैड एजर्ड हर, उसने उसे भरोसा दिलाया था, दैट कि ही वुड बाई इट, वह इसे खरीद देगा। आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, आउट ऑफ हिज पे, अपने जो है वेतन से, दैट मंथ मीन्स उस महीने के, अपने उस महीने के वेतन से वह इसे खरीदे देगा। तो
ही वुड बाई इट, वह इसे खरीद देगा, आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, अपने उस महीने की वेतन से। तो ही हैड एजर्ड हिम, ही हैड एजर्ड हर, उसने उसे भरोसा दिलाया था दैट कि ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, ही वुड बाई इट, वह इसे खरीद देगा, आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, अपने उस महीने की वेतन से। संकुश हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, संकुश में शंकु की, हार्ट बीट में हृदय की धड़कन, शंकु के हृदय की धड़कन अनकंट्रोलेबली बिना बस में हुए फास्ट में तेज हो गई। संकुश हार्ट बीट है, शंकु के हृदय की धड़कन अनकंट्रोलेबली बहुत तेजी से, फास्ट में क्या, फास्ट में बहुत तेजी से अनकंट्रोलेबली उसके बस में नहीं रह गई, या उसका हृदय बहुत तेजी से धड़कना शुरू हो गया। संकुश हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय बिना रुके हुए बहुत तेजी से धड़कने लगा। अनकंट्रोलेबली में से बिना उसके बस में या बिना रुके हुए फास्ट में तेजी से धड़कने लगा। शंकु का, संकुश हार्ट बीट, शंकु की धड़कने अनकंट्रोलेबली फास्ट बिना रुके हुए बहुत तेज हो गई। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपने हृदय की धड़कन के द्वारा, हार्ट बीट्स में हृदय की धड़कन, थ्रोमिस द्वारा, थ्रू हिज हार्ट बीट्स अपने हृदय की धड़कन के द्वारा, ही कुड हियर द हार्श वॉइस, ही कुड हियर, वह सुन सकता था द हार्श वॉइस, कठोर आवाज को, ऑफ द टी शॉप ओनर, टी शॉप मिस चाय के दुकान के, ओनर मिस मालिक के, कुचुन्नी मिस कुचुन्नी की। थ्रू हिज हार्ट बीट अपने हृदय की धड़कन के द्वारा, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कुचुन्नी, वह जो है चाय की दुकान के ओनर मिस मालिक कुचुन्नी के हार्श वॉइस मिस कठोर आवाजों को हियर में सुन सकता था। थ्रू हिज हार्ट बीट अपने हृदय की धड़कन के द्वारा, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कुचुन्नी, वह चाय की दुकान के मालिक कुचुन्नी की तेज आवाज को सुन सकता था। अर्थात कुचुन्नी जो कि चाय की दुकान का मालिक है, उसके उसका जो है शंकु का उस दुकान पर भी काफी उधार हो गया था। इससे जो है, जो कुचुन्नी था वह हमेशा तेज आवाज में उससे बातें किया करता था, उसके ऊपर गुस्सा जाया करता था और पैसे को बार बार उससे मांगा करता था। यहीं से थ्रो हिज हार्ट बीट अपने हृदय की धड़कन के द्वारा, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कुचुन्नी, वह चाय की दुकान के मालिक कुचुन्नी की तेज आवाजों को सुन सकता था। अलीस हालो लाफ्टर, अली मिस अली के हालो लाफ्टर मिस खुल करके हंसने की, अलीस हालो लाफ्टर, अली के मुंह खोल करके हंसने की, एंड वुलगर वर्ड्स, और उसके वुलगर में से गंदे वर्ड्स में शब्दों को, अलीस हालो लाफ्टर, अली जो कि किराने की दुकान का जो है मालिक है, तो वही अलीस हालो लाफ्टर, अली के मुंह खोल करके हंसने की, एंड वुलगर वर्ड्स, और उसके गंदे शब्दों की आवाज़ को भी वह सुन सकता था। एंड द इरिटेटिंग टॉक, एंड और द इरिटेटिंग टॉक, क्रोधित कर देने वाली बातों को, इरिटेटिंग मीन्स क्रोधित कर देने वाली, एंड द इरिटेटिंग टॉक्स, और क्रोधित कर देने वाली बातों को, ऑफ लोनप्पो, लोनप्पो मीन्स लोनप्पो की, और लोनप्पो की क्रोधित कर देने वाली बातों को भी वह सुन सकता था। हु वॉज द इंचार्ज ऑफ द फंड, हु वॉज द इंचार्ज, जो कोषाध्यक्ष था, इंचार्ज में से कोषाध्यक्ष था, ऑफ द फंड में से फंड कोष का, जो कि कोष का कोषाध्यक्ष था, अर्थात कंपनी का जो कोषाध्यक्ष था, इंचार्ज था, वह जो है लोनप्पो था। जिस कंपनी में शंकु काम करता था उसका इंचार्ज कोषाध्यक्ष, कोष का कोषाध्यक्ष जो था, इंचार्ज था, वह लोनप्पो था। फिर से देख लेते हैं। ही हैड एजर्ड हर, उसने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया, या उसने उसे भरोसा दिलाया दैट कि ही वुड बाई इट, वह उसे खरीद देगा, इसको वेस्टर्न कमर की जंजीर को, अपने छोटे बच्चे के कमर के जंजीर को। तो ही हैड एजर्ड हर, ही हैड एजर्ड हर, उसने उसे भरोसा दिलाया दैट कि ही वुड बाई इट, वह इसे खरीद देगा, आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ,
अपने उस महीने की वेतन से। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह जो है इसे अपने महीने की वेतन से खरीदे देगा। संकुश हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु के हृदय की धड़कन बिना उसके वश में होते हुए बहुत तेज हो गई। अर्थात वह बहुत ज्यादा घबरा गया था कि वह अपने इन कर्जों को कैसे चुका पाएगा। तो संकुश हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु के हृदय की धड़कन बिना उसके वश में होते हुए बहुत तेज हो गई थी। थ्रू हिज हार्ट बीट से अपने हृदय की धड़कन के द्वारा ही कुड हियर द हार्स वॉइस ही कुड हियर द हार्स वॉइस वह कठोर आवाज को सुन सकता था ऑफ द टी शॉप ओनर कुचुन्नी, चाय के दुकान के मालिक कुचुन्नी की। थ्रू हिज हार्ट बीट से अपने हृदय की धड़कन के द्वारा ही कुड हियर द हार्स वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कुचुन्नी वह चाय की दुकान के मालिक कुचुन्नी की कठोर आवाजों को सुन सकता था। अलीस हालो लॉफ्टर और अली के खुलकर हंसने की एंड वुलगर वर्ड्स से और उसके गंदे शब्दों की, अलीस हालो लॉफ्टर अली के खुलकर के हंसने की एंड वुलगर वर्ड्स से और अली के गंदे शब्दों की आवाजों को भी वह सुन सकता था। एंड द इरिटेटिंग टॉक और क्रोधित कर देने वाली बातों के आह लोनप्पो और लोनप्पो की क्रोधित कर देने वाली बातों को हु वाज द इंचार्ज ऑफ द फंड से जो कि कोष का कोषाध्यक्ष था। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो और लोनप्पो की क्रोधित कर देने वाली बातों को हु वाज इंचार्ज ऑफ द फंड जो कि कोष का कोषाध्यक्ष था। ही फेल्ट दैट उसने महसूस किया, फेल्ट में महसूस करना, ही फेल्ट उसने महसूस किया दैट कि उसने महसूस किया कि वे सभी सराउंडिंग हिम, सराउंडिंग मीन्स घेरे हुए हिम मीन्स उसको। ही फेल्ट दैट उसने महसूस किया कि दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम वे सभी उसे घेरे हुए हैं। कौन? चाय के दुकान का मालिक कुचुन्नी, अली जो कि किराने की दुकान का मालिक है, और लोनप्पो जो कि कोष का कोषाध्यक्ष है, और उसकी खुद की पत्नी, ये सब उसे क्या किए हैं, चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो वही ही फेल्ट दैट उसने महसूस किया कि दे वेयर ऑल वे सभी सराउंडिंग हिम उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। लाइक राउडी बॉय से, लाइक मीन्स तरह, राउडी बॉय से बदमाश लड़कों की तरह, राउडी मीन्स होता है बदमाश लड़कों, लाइक राउडी बॉयस बदमाश लड़कों की तरह है। ही फेल्ट डेट उसने महसूस किया कि दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम वे सभी उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। लाइक राउडी बॉयस उन आवारा लड़कों की तरह है, आर्म्ड विथ स्टिक्स, आर्ड में से अपने हाथों में विथ स्टिक्स, उन्होंने क्या छड़ी को लेकर के, अपने हाथों में छड़ी को लेकर के, गैदरिंग अराउंड स्ट्रे डॉग्स, गैदरिंग में इकट्ठा हुए हैं, अराउंड में सारे उसके चारों ओर, ये स्ट्रे डॉग्स में, स्ट्रे डॉग में तो आवारा कुत्ता, वे जो है उसके चारों ओर आवारा कुत्तों की तरह खड़े हुए हैं। तो ये ही फेल्ट दैट उसने महसूस किया कि दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम वे सभी उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। लाइक राउडी बॉयज आवारा लड़कों की तरह है या बदमाश लड़कों की तरह है, आर्म्ड विथ स्टिक्स, अपने हाथों में छड़ी को लिए हुए, गैदरिंग अराउंड एक स्ट्रे डॉग्स, उसके चारों ओर एक आवारा कुत्ते की तरह खड़े हुए हैं। व्हाट ए हरिबल सीन, व्हाट ए हरिबल कितना डरावना सीन मिस दृश्य है, व्हाट ए हरिबल सीन कितना डरावना सीन मिस दृश्य है, हरिबल मिस होता है डरावना, सीन मिस दृश्य, तो व्हाट ए हरिबल सीन कितना डरावना दृश्य है। फिर से देख लेते हैं। ही फेल्ट दैट उसने महसूस किया कि दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम वे सभी उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। लाइक रॉडी बॉयस बदमाश लड़कों की तरह है, आर्म विथ स्टिक्स, अपने हाथों में छड़ी को लेकर के, गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग्स, उसके चारों ओर आवारा कुत्तों की तरह इकट्ठा हुए हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन, और एक इतना जो है डरावना दृश्य है। अर्थात शंकु जो है बहुत ज्यादा परेशान है,
आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे और अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना है दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद मैंने क्लास 12 की इंग्लिश के प्रोज के लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 और लेसन 5 को भी पढ़ा रखा है। इसके अलावा मैंने क्लास 12 की पोएट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2 को पढ़ा रखा है। और मैंने शॉर्ट स्टोरी के चैप्टर 1 को भी पढ़ा रखा है, जिसके 3 पैराग्राफ इसके पहले अपलोड हो चुके हैं। तो आप उन सभी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियोज बॉक्स में आसानी से देख पाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करने का फायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और अभी तक मैंने चैप्टर 1 शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानी के चैप्टर 1 पर जितने वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वी मीट सून। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।